नमस्ते दोस्तों, लाइव धमाल चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम आए हैं मुंबई के बुलेश्वर मार्केट पांजर पोल के यहाँ एक हैंडीक्राफ्ट शॉप को विजिट करने, जहाँ लकड़े के तरह तरह का सामान मिलता है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लकड़े के अलग अलग चीज़ें और उसकी क्वालिटी और कीमतें भी। इस शॉप में हमें जो लकड़े के किचन आइटम्स मिले बहुत खूबसूरत थे। उससे सिर्फ हमारे किचन की शोभा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारी बहनों को किचन में खाना बनाना मज़ेदार लगेगा। तो आइए चलते हैं और वीडियो में आगे देखते हैं कि ये लकड़े का ओरिजिनल सामान हम कैसे खरीद सकते हैं, क्यों लकड़े का सामान किचन में इस्तेमाल करना है और कैसे और कहां से इसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं हैंडीक्राफ्ट किचन आइटम्स। मेरा नाम जयेश मिश्रा, मेरे शॉप का नाम है जयेश किचन हैंडीक्राफ्ट। तो कितना साल से हैं आप ये शॉप के लाइन? सर 7 साल से। और खासियत क्या है आपके शॉप में? सर खासियत ये कि यहाँ आपको अलग अलग तरह की लकड़ी और अलग अलग वैरायटी के आपको सामान मिलेंगे। आपको जो घर में यूज़ होना चाहिए, होटल में यूज़ होना चाहिए, हर चीज़ का सामान मिलेगा और ओरिजिनल चीज़ मिलेगा। डुप्लीकेट भी मिलता है मार्केट में, ये भी मिलता है, ओरिजिनल भी। ऐसा नहीं बोलूँगा आपको, डुप्लीकेट और ओरिजिनल में आपको फ़र्क बताऊँगा। मेरे पास साग के लकड़े, सागवान के लकड़े, बबूल के लकड़े के सामान मिल जाएंगे, शीशम के लकड़े के सामान मिल जाएंगे। आपको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि हाँ ये ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। बताएंगे सैंपल के तौर पर एक दिखाएंगे सर। ये देखिए सर, ये शीशम का बेलन है, ये चीज़ शीशम का है, आप देख सकते हो ये शीशम है सर। सेम इसी तरह का ये एक चीज़ है, ये शीशम है पर ये कच्चा शीशम है। और ये एक देख लीजिए आप, ये भी शीशम है पर ये डुप्लीकेट शीशम है। ये कुछ दिन बाद ब्लैक हो जाता है, जो नॉर्मल पब्लिक इसे समझती है, ब्लैक कलर देख के शीशम समझ के ले लेती है, सस्ते में बाय कर लेती है, उन लोग को लगता है कि हाँ ये ओरिजिनल शीशम है पर ये डुप्लीकेट शीशम है। ये आज नहीं कल 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता यूज़ करने के बाद अपने आप इसमें आपको फ़र्क दिख जाता है कि ओरिजिनल लेकिन ये शीशम डुप्लीकेट है। ये कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, पर बाकी इन सब चीज़ों में नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। तो रेट क्या है अलग अलग ओरिजिनल शीशम का भी बताइए। तो ओरिजिनल सिस्टम की स्टार्टिंग है 70, 80, 90, 20 और डुप्लीकेट सिस्टम की स्टार्टिंग प्राइस है 80 रुपीस। ये कुछ दिनों बाद ब्लैक हो जाता है। और भी कोई चीज़ें आप बताएंगे? हाँ सर बताएंगे सर। आपको बेलन में और कुछ दिखाऊं? ये देखिए, ये साग का बेलन, सागवान का बेलन है, ये सागवान का बेलन है, घाटी इसे बोलते हैं, घाटी शेप, ये पंजाबी शेप, ये मराठी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये पंजाबी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये प्योर साग का है। तो क्या प्राइस है? ये 7 नंबर का, ये सर 35 का है, ये भी 35 का है, सेम प्राइस है। और इसमें मोटा लेंगे 8 नंबर तो सर 40 रुपीस का है, इससे और मोटा लेंगे तो 45 का आता है, ये प्योर सागवान का है। और उसके बाद सर पोलपाट देख लीजिए आप, जिसे पोलपाट बोला जाता है मराठी में, ये प्योर टीकूड़ है जिसे सागवान बोला जाता है। सेम इसी तरह का डुप्लीकेट भी आता है मार्केट में, प्योर टीकूड, प्योर सागवान। इसमें जॉइंट भी आता है इसमें, और वन पीस मतलब जॉइंट भी आता है, और समोसा पाया मतलब अलग से भी जुड़ा है, ये जो है अलग से जुड़ा है। इसकी स्क्रू फिटिंग है, पीतल की स्क्रू है जो जल्दी निकलते नहीं है, निकालने की कोशिश करो तो पाटला फटता है, बाकी इसमें लोखंड का स्क्रू रहता है तो निकल जाता है। आपको वन पीस में भी मैं दिखा सकता हूँ। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है सर 280। और ये होम डिलीवरी चाहिए तो मिल जाता है? वैसे होम डिलीवरी क्या मतलब, जैसे क्वांटिटी रहता तो, बाकी क्या नहीं तो काम से फुर्सत नहीं। ओके, तो होम डिलीवरी का कुरियर का चार्जेस देंगे तो घर पे मिल जाएगा? हाँ वो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। हाँ तो प्योर बबूल का लकड़ा है ये पोलपाट, ये देखिए वन पीस में बना है, इसकी प्राइस है 350। सेम इसी का डुप्लीकेट आता है, ये भी बबूल का ही है, देखिए ये कुछ दिनों बाद ऐसा ख़राब होने लगता है, इसकी प्राइस है 200। ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, दोनों एक ही लकड़ा, पर ये पक्की लकड़ी का या कच्ची लकड़ी का है। ये कुछ दिन बाद बैंड हो जाता है, फट जाता है, या अदरवाइज कीड़े पड़ जाते हैं कुछ भी, पर इसमें कुछ ऐसा होने का चांस नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल है। और आपको मैं सागवान में भी दिखा सकता हूँ, अखंड आता है, अच्छी अच्छी चीज़ आती है। ये देखिए सागवान का, जैसे कि अभी बोला आपने अखंड देखना है, ये प्योर टिकुड़ का अखंड है,
इसका कुछ जॉइंट नहीं है, ये वन पीस में लॉन्ग लाइफ, कितना भी कम 40 साल आप यूज कर सकते हो। ये 10 इंच, इसमें चार साइज आता है, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। ये इससे बड़ा है, 12 इंच का है, ये लास्ट आता है, और इससे बड़ा चाहिए तो अपने को बनवाना पड़ता है स्पेशली। ये प्योर रोज उड़ी से बोलते हैं, प्योर सीसम, इसमें डुप्लीकेट भी आता है, वो सस्ते में मिलता है मार्केट में, हर जगह मिलता है, ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ मार्केट में, हर जगह मिलता है, सस्ते में पब्लिक लेती है, उन लोग को लगता है सीसम ओरिजिनल है, पर वो हकीकत में ओरिजिनल नहीं रहता, इसमें काली लकड़ी एक आती है, जैसे अभी मैंने आपको बेलन में बताया वैसे टाइप में मेरे पास रवई भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर वो सीसम नहीं है, ये ओरिजिनल सीसम है। इसका क्या प्राइस है ओरिजिनल? सर इसका ओरिजिनल का 9 इंच का आएगा 900, 10 इंच का आएगा 1000, 11 इंच का 1100, 12 इंच का 1500। ओके, जॉइंट में इसमें भी वन पीस आता है। इसका कीमत? उसका कीमत सर 1500 या 1800 या 2000 है ओरिजिनल का। आपको इसमें डुप्लीकेट देख लीजिए, ये भी एक सीसम है जो कुछ दिन बाद कुछ इस तरह का होने लगता है, ये भी सीसम है पर कुछ दिन बाद ऐसा होने लगता है, ये डुप्लीकेट है, घर में यूज होता है तो मालूम चलता है, इसे ताविता बोला जाता है। सर इसका प्राइस है, इसमें 7 इंच आता है, मतलब 7 तरह के आते हैं इंच के हिसाब से, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच। तो इसमें सर क्या रहता है, 10 इंच का आता है 16 रुपये, 11 इंच का 17 रुपये, 12 इंच का 18 रुपये, 13 इंच का 19 रुपये, 20 इंच इसके 1-1 रुपये मतलब डिफरेंट ऐसा ही रहता है 16 इंच का। सीसम में आता है? सीसम भी आता है सर, ये देखिए सीसम है, प्योर रोज वुड, इसका स्टार्टिंग प्राइस है 22 रुपये प्लस दो फर्क, 10 इंच का 22, 11 इंच का 24, ऐसे 2-2 रुपये का फर्क रहता है। ये प्योर साग का झारा इसे बोला जाता है, प्योर सागवान का ये आप नॉर्मल जैसे स्टील का आप यूज़ करते हो उससे बेटर है, ना कटेगा ना फटेगा ना कीड़े पड़ेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ये प्योर साग का है, इसमें डुप्लीकेट भी आता है, और इसका प्राइस है सिर्फ 50 रुपीज़, प्योर टिकून, और इसमें डुप्लीकेट आता है जो मार्केट में 20-30 रुपये का मिलता है। और भी बहुत सारी वेरायटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हुआ पापड़ बेलन, आप सब खिचिया पापड़ ऐसा पापड़ मतलब एक्स वाई जेड कोई भी पापड़ खाते हो तो ये इसी बेलन से बनता है, इस टाइप के बेलन से या तो इस टाइप के बेलन से, ये गुजराती बेलन है, इससे भी पापड़ बनाया जाता है, और खिचिया पापड़ ये बनाने के लिए ये बेलन यूज़ होता है, इसमें भी क्वालिटी आता है। ये बबूल का बेलन है 35 रुपीज़ का, अंजन की लकड़ी में आएगा 50 रुपीज़ का, जिसे लाली बोला जाता है अंजन की लकड़ी में, और शीशम में आता है 90 रुपीज़ का प्योर शीशम, ये इस पापड़ में, और भी बहुत सारी वेरायटी आती है। पिज्ज़ा जारा आता है, घर में तो पिज्ज़ा बनता है, आमलेट या किसी भी चीज़ में यूज़ होने वाला है, ये यूपी का रोज उड़े, इसे यूपी का सीसम बोला जाता है, इसकी बस खरीदिए 30 रुपये मिलता है, पर इसकी एक कमी है कि ये कलर छोड़ता है, कुछ दिन बाद इसकी पॉलिश निकल जाती है, यूज़ करने के बाद में ये नेचुरल कलर जैसा हो जाता है, हल्का ब्लैक एंड वाइट, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। ये 30 रुपये का, 30 रुपये, और इसी में आता है राइस स्पून भी आता है, ये यूपी का सीसम है जिसे यूपी का रोजवुड बोला जाता है, ये राइस स्पून है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत रनिंग आइटम है, ये 25 रुपीज़ का आता है सिर्फ, ओनली फॉर 25। ये रवई है जो घर में यूज होता है प्योर सागवान का, इसमें जंगली लकड़ी भी आता है, सीसम का भी आता है, ये प्योर साग का है, इसमें भी कुछ टाइप के डिज़ाइन आते हैं, जॉइंट है ये एक इस डिज़ाइन का आता है, एक इस डिज़ाइन का आता है, और एक इस डिज़ाइन का आता है, इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, और इसमें प्योर साग का अखंड भी आता है, वन पीस में बनाया होगा, ये प्योर सागवान का अखंड रवई है, प्योर साग का, ना निकलेगा ना कुछ होगा, ना कीड़े पड़ेंगे ना फटेगा कुछ होगा, और ये अच्छी चीज़ है, ये होटल में भी यूज़ होता है, घर में भी यूज़ किया जाता है, और इसका प्राइस है सिर्फ 40 रुपीज़। ये भी स्टील शेप, इसे बटरफ्लाई शेप बोला जाता है, इसके डोसा जैसा कुछ फ्राई करने के लिए या निकालने के लिए किसी भी चीज़, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, प्योर सागवान की है, इसकी बस कीमत है 18 रुपीज़ ओनली फॉर, और सेम इसी में एक और शेप आता है ताविता जैसा ही है, स्टील शेप इसे बोला जाता है, इसकी भी कीमत 18 रुपये है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ सिजलर प्लेट, हैंडल और विदाउट हैंडल, और अच्छी लकड़ी और कच्ची लकड़ी, पक्की लकड़ी और कच्ची लकड़ी में,
ये सर देखिए सिजलर प्लेट है, ये होटल में यूज होता है, घर में भी बहुत लोग यूज करते हैं। ये हैंडल सिजलर प्लेट है, ये यूपी सीसम की लकड़ी में बना है, पक्की लकड़ी का है। सेम इसी में डुप्लीकेट आता है कच्ची लकड़ी में, आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये कच्ची लकड़ी में, ये डुप्लीकेट है मार्केट में, इसको पॉलिश करके बेचा जाता है, कुछ दिनों बाद ये गंदा हो जाता, कीड़े पड़ जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ कुछ इस टाइप का हो जाता है, तो आप गलत चीज़ ना ले, प्लीज़ चेक करके ले। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मसाला बॉक्स, ये मसाला बॉक्स है, इसमें आप मसाला रख सकते हैं, और इसकी प्राइस है बस 500। यूपी सिसम की लकड़ी में बनी हुई चीज़ है। और उसके बाद आपको लकड़ी का बाउल भी मिल जाएगा, आप बाउल भी देख सकते हो, लकड़ी का आता है वन पीस में बनाया हुआ, ये तीन पीस का सेट है बाउल का, ये रोजवुड यूपी का रोजवुड है, यूपी सीसम की लकड़ी से बनाया गया है, इसकी प्राइस है 350 का सेट आता है। ये वन पीस में बनाई हुई चीज़ें ये ख़राब नहीं होती, ये बड़े बड़े बाउल से, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी मतलब जो भी फ्रूट रखने हो आप रख सकते हो, घर में यूज़ होता है, होटल में भी यूज़ होता है। ये वन पीस में बनाया हुआ प्योर रोजवुड का बाउल से, ये चार पीस का सेट आता है, 1800 का सेट है। ये भी नहीं कि गिरने के बाद तुरंत टूट जाएगा, ये पक्की लकड़ी में बनाया हुआ यूपी का प्योर शीशम है। बहुत लोग लकड़ी के थाली में खाना खाना चाहते हैं, वो भी है, ये यूपी का रोजवुड है, इसमें आप खाना भी खा सकते हो या कुछ भी जो एक्सपायर्ड आप चाहो, इसकी कीमत 500 है। ये कलबट्टा है, यूपी सीसम का कलबट्टा है ये, इसकी प्राइस 480 है, ना कटेगा ना फटेगा ना कीड़े पड़ेंगे, आप चाहे इसको चाहे जितना जोर से यूज कर सकते हो, कुछ खराब होने का कोई चांस नहीं है। तीनों का 480 480 सर। और उसके बाद आपको ऐसे बाउल्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी रखना चाहते हो, रोजवुड है यूपी का सीसम है सर। उसके बाद आपको पिज्ज़ा ट्रे मिल जाएगा स्क्वायर में, आप पिज्ज़ा के लिए यूज़ करो या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करो, ये स्क्वायर में, ये अपने को 350 का आएगा सेम पिज्ज़ा ट्रे, ये आता है 480 का, 480 प्योर रोजवुड, खराब नहीं होता, खराब नहीं होता है, ना कीड़े पड़ते ना कुछ होता है, इसमें कच्ची लकड़ी में भी आता है, उसमें जो कि पड़ते हैं वो डुप्लीकेट रहता है, जिसे सीसम बोल के बेचा जाता है, ये यूपी का सीसम है। रोटी का बॉक्स इसे बोला जाता है, आप देख सकते हो अंदर स्टील का बर्तन है जो कि गर्म रहता है, अब इसमें चाहे जो रखिए, चाहे राइस रखिए चाहे चपाती रखिए, गर्म रहेगा। बाकी ये हाथ की कारीगरी, इसको जॉइंट से चिपकाया गया है, गम से चिपकाया गया चीज़ें, ना कि कलर मारा है सेम। और इसकी प्राइस है सिर्फ 500 दोनों की, आप डिज़ाइन देख लीजिए, आप चाहे तो बर्तन को निकाल के धो भी सकते हो, वॉश भी कर सकते हो। ये कितने का? ये 500। टी कोस्टर्स भी अपने पास, ये लोटस टी कोस्टर जो ऑफिस में ज़्यादा यूज होता है, ऑफिस में और अदर चीज़ होटल लाइन में उधर भी यूज़ होता है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, इसमें तीन साइज आता है, मीडियम स्मॉल बिग, इसमें तीन साइज आता है, और प्राइस है 200, 220, 240, ये तीनों का प्राइस है। उसके बाद इसमें आता है स्क्वायर टी कोस्टर, आप इसको देख भी सकते हैं, इसके आप रख भी सकते हैं, और इसकी कीमत सिर्फ 150 है, 150 सेट की। और उसके बाद इसमें डिज़ाइन भी है, इसमें हाउस टी कोस्टर आता है, घर जैसा बना रहता है इसका डिज़ाइन, देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखिए हाउस टी कोस्टर। क्या प्राइस है इसका? 180 है। ये भी एक चेयर कोस्टर है जो कि ये रखने के बाद जिसे हिल भी सकता है, ये देखिए, इसका प्राइस 200 बस, ये थोड़ा कॉस्टली है पर अच्छा है, ये 300 का आएगा, आप इसको देखिए ध्यान से, इसकी डिज़ाइनिंग रोजवुड में बनाया गया है, यूपी का रोजवुड है,
और इसके अंदर जो कारीगरी की है बहुत बारीकी से की गई है, डिज़ाइनिंग फिनिशिंग हर चीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से किया गया है, जॉइंट कैसा किया जाता है, अच्छी चीज़ है। ये भी स्पून स्टैंड मिल जाएगा, स्पून रखे जाए, पेन रखे बहुत, इसमें पेन भी रखते हैं, स्पून भी रखते हैं। जॉइंट किया हुआ है, जॉइंट किया है, यहाँ से चिपकाया गया है। और इसका प्राइस है सिर्फ 250 वाइन ग्लास, इसकी कीमत 250। आप इसमें पानी पियो, चाहे ड्रिंक करिए, चाहे जो कर सकते हैं प्योर रोजोर में। और लकड़ी का ट्रे भी आता है, ये सब जॉइंट की गई चीज़ें। इसमें तीन चार डिज़ाइन आती है, मैं आपको एक दो डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। ये एक डिज़ाइन आता है, क्या दूसरा डिज़ाइन, ये एक आता है, क्या प्राइस है? 250 ओनली, 250 कोई भी डिज़ाइन लीजिए आप, 250 प्राइस है। पेन रखने के लिए ये चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, पेन कैसा रखा जाता है इसमें, ऐसा पेन रखिए आप, लकड़ी का पेन भी है। ये 80 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 80 रुपीज़। ये खुलता भी है, इसमें रिफ़िल ख़त्म होगा, आप रिफ़िल भी डाल सकते हो। देखिए ये वन पीस में बना गया, इसकी कारीगरी देखिए एकदम बारीकी से, डिज़ाइनिंग देखिए। अब इसको ऐसा रख के यूज़ करें। साइकिल, बच्चों का फेवरेट साइकिल, ये देखिए चलती भी है, देख रहे हो आप, टायर घूम रहा है। इसकी कीमत है 350। मनी बैंक दिखाना चाहता हूँ, गैस सिलेंडर में, इसमें छोटा लॉक भी आता है, ताला, इसकी कीमत है 400। आप इसमें पैसा यहाँ से डालिए, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से पैसा भी निकाल सकते हो आप। ये भी मनी बैंक है, इसके बाजू में यहाँ ताला लगा है, लॉक आप यहाँ से खोल के पैसा निकाल सकते हो और लॉक भी कर सकते हो, अच्छा भी निकाल सकते हो आप। और इसका इसका सेम 400 बॉक्स में, ये विदाउट लॉक का है, इसका 350। ये यूपी सिसम है, यूपी सिसम, इसकी कारीगरी देख रहे हैं आप कितनी बारीकी से की गई। कलकत्ता साग का बोलते हैं इसे, कलकत्ता सागवान, वन पीस में बनाया हुआ, इसे स्पेशल बोला जाता है। इसकी मीडियम हाइट रहती है, इससे बड़ा भी आता है, ऊंचा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, छोटा भी आता है। ये देखिए इसकी हाइट देखिए, इसे कम हाइट बोला जाता है, कलकत्ता का प्योर सागवान है। इसकी कीमत है बस, इसमें चार साइज आता है, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। और 9 इंच की प्राइस है 180, 10 इंच की प्राइस है 190, 11 इंच की 210 और 12 इंच की 250, ये कम हाइट की। और आप यही चीज़ सेम इससे थोड़ा हाइटेड लेंगे तो आपको 280, 290, 350, 420 इसकी प्राइस है। और इससे और ऊंचा लेंगे आप, जंबो जिसे बोला जाता है, तो उसकी प्राइस है 450, 480। और आपको ये सब भी मिल जाएगा, आपने देखा होगा अक्सर होटलों में सर्व किया जाता है, इस पर रोटियाँ खाना कुछ भी। ये भी चीज़ें रोजवुड में बनाया गया है, अच्छी चीज़ ये भी, ड्राई फ्रूट्स के लिए भी है। क्या प्राइस? इसकी प्राइस है 400। और बाकी ड्राई फ्रूट्स के लिए ये ड्राई फ्रूट्स इसमें रख सकते हो आप, या कुछ भी। ये भी है, इसकी प्राइस है 180। इसे ब्राउनी बोला जाता है, ये घर में भी यूज़ होता है। और इसकी प्राइस है सिर्फ 240। ये रोज उड़े, प्योर रोज उड़े यूपी का। ये रेल है, इसे बुक स्टैंड बोला जाता है इंग्लिश में। इस पर आप जो भी पढ़ना चाहते हो, XYZ पढ़ने वाली चीज़ आप इस पर रख के पढ़ सकते हो इजीली। इसमें भी बहुत सारे साइज आते हैं और प्राइस है 120, 130, 140, 150, चार साइज आता है इसमें। और बबुल के कुछ पोल पार्ट्स है, पाटले, ये देखिए समोसा पाया इसे बोला जाता है, जॉइंट है ये। ये आपको जैसे कि मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि अखंड का सूखा लकड़ा 350 का, सेम वही चीज़ है ये, गीली या सूखी लकड़ी में, पर ये जॉइंट है, ये भी जल्दी निकलेगा नहीं। और इसकी कीमत है 240 सूखी लकड़ी में। यही चीज़ आप गीली लकड़ी में लेंगे तो आपको वो 180, 200 तक मिल जाएगा, पर बाकी कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं रहेगा। ये चीज़ आप लीजिए बढ़िया से। ये चाकू रखने का स्टैंड है, आप इसमें चाकू भी रख सकते हो या कुछ भी, आप इसमें यहाँ रख सकते हो नाइफ। कितना प्राइस है इसकी? प्राइस 80 रुपीज़। लकड़ी का नहीं, इसे जो बुक्स के पीछे निकलते हैं ना, पुट्ठा जो जिसे बोला जाता है हिंदी में, पुट्ठा बोला जाता है,
बुक्स के जो पीछे निकलते हैं उसे बनाया गया है, उससे चिपकाया गया है। इसमें आप रख सकते हो, बाकी ये नहीं कि पानी में ख़राब हो जाएगा, इसको जिससे पॉलिश किया गया पानी में ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। पहले के लोग सर लकड़े के इसमें ही खाते थे, इसलिए वो लोग इतने दिन तक और हेल्थ रहते थे, उन लोग की तबीयत अच्छी रहती थी, उन लोग को कुछ होता नहीं था। आज ये स्टील के बर्तन में खा रहे, कोई लोहे के इसमें खा रहा, कोई कुछ। आज भी केरला में आप देखेंगे तो पत्ते पे खाया जाता है खाना, और बहुत जगह आप देखेंगे जिनको मालूम है लकड़े के बारे में, आज भी वो ये ऐसे आइटम यूज़ करते हैं लकड़े का। इसमें कुछ होता है, सब नेचुरल रहता है, इसमें ना कीड़े पड़ते ना कुछ, और ना जो खाता है ना उसे कुछ होता है। लकड़े के इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये आपको सिर्फ खाने से पहले, यूज़ करने से पहले एक बार धोना रहता है, पॉलिश निकल जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। आप खाएंगे जितना खाना उतना हेल्थी रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सब सर कितना भी कम तो सर 40 से 50 साल आप यूज़ कर सकते हो, चलेगा। और सर बट क्या है, जैसे पुरानी चीज़ हो जाती है तो सब क्या फेंक देते, सोचते नई चीज़ लाने का, तो इसलिए मिनिमम 30 से 40 साल आराम से चल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।